राष्ट्रीय नगर परिषद कर्मचारी यूनियन नागपुर जिला अध्यक्ष धीरज देशमुख के नेतृत्व में नागपुर जिले की सामने नगर पालिका कर्मचारी अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन पर जाने से नगर पालिका की सेवाएं प्रभावित होने के कयास लगाए जा रहे हैं। समूचे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य नगर पालिका नगर पंचायत कर्मचारी संवर्ग कर्मचारी अधिकारी सफाई कामगार संवर्ग कर्मचारी अधिकारी सफाई कामगार संगठन द्वारा राज्य की नगर पालिका नगर पंचायत के कर्मचारियों की प्रलंबित मांगे पूरी होने हेतु राज्य स्तर पर पुकारे आंदोलन के प्रथम चरण में 5 अप्रैल को राष्ट्रीय नगर परिषद कर्मचारी यूनियन नागपुर जिला अध्यक्ष धीरज देशमुख के नेतृत्व में काले फीते लगाकर विरोध दर्शाया गया था। साथ ही 20 अप्रैल को मुंबई के आजाद मैदान पर भव्य आंदोलन कर सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का सहयोग न मिलता देख 1 मई से अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन निर्णय लिया गया। पिछले अनेक वर्षों से राज्य की नगर पालिका नगर पंचायत के कर्मचारियों की शासन और नगर पालिका प्रशासन संचालनालय स्तर पर प्रलंबित मांगे पूरी कराने हेतु राज्य की महाराष्ट्र राज्य नगर पालिका नगर पंचायत कर्मचारी संवर्ग कर्मचारी अधिकारी सफाई कामगार संगठन संघर्ष समिति द्वारा अपनाई गई आंदोलनात्मक भूमिका में राज्य की सभी संगठनाएं 1 मई महाराष्ट्र दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के पश्चात सभी अत्यावश्यक सेवा सहित सभी काम बेमुदत बंद आंदोलन पर चले गए, जिसके चलते सामने नगर पालिका में राज्य शासन और नगर पालिका प्रशासन संचालनालय के विरोध में जारी इस आंदोलन के अवसर पर राष्ट्रीय नगर परिषद कर्मचारी यूनियन नागपुर जिला अध्यक्ष धीरज देशमुख के प्रमुख उपस्थिति में सामने नगर पालिका अध्यक्ष मधुकर लुई के नेतृत्व में नगर परिषद के वरिष्ठ अधिकारी दिनेश बूधे सचिन पडलवार पुरुषोत्तम पांडे आदि सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। 1 मई महाराष्ट्र दिन और कामगार दिवस से समूचे महाराष्ट्र की नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों ने जब तक उनकी मांगे पूर्ण नहीं होती तब तक यह आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया। आम्ही शासनाकडे मागच्या 5-6 महिन्यापासून निरंतर प्रस्ताव पाठवलेले आहे। आमच्या कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या आहेत, मागण्या लंब्या असल्यामुळे मी एकदम पूर्ण सांगू नाही शकत, पण शासनाने वेळोवेळी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे। आम्ही शासनाला विनंती वेळोवेळी विनंती करूनही त्यांनी त्याकडे म्हणजे असं काळजीपूर्वक लक्ष दिलं नाही, त्यामुळे ना इलाजस्तव आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नगरपालिका नगरपंचायती कर्मचारी आजपासून संपावर जात आहे। जोपर्यंत शासन आमच्या मागण्याकडे लक्ष देत नाही आणि आमच्या मागण्या पूर्ण करत नाही तोपर्यंत आमचा हा संप चालेल। सावनेर से NBCN न्यूज के लिए किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।